हेलो मैडम जी। हेलो हेलो महाराज जी, बहुत जल्दी उठ गई नहीं आज? क्यों? क्योंकि सपना देखा था नहीं, वही साथ जल्दी नहीं खुल गई। चलो चलो, बहुत सपना देखत बड़ा आजकल। अभी इतना मैं वेट नहीं कर पूछे, सपने ने देखा तो के कब ले अगर ही रे, कब खाइबे? परोस आवत है। देखत रहा, सही समय आएला पर सबर के फल मीठा होला। हमके डर बाकी कहीं हमरे सबर के फल की कोई जूस बना के ना फील है। पागल? हाँ, हम बिल्कुल पागल हो गए बनी तोरे प्यार में। कहाँ चाहत बाड़े रे? चल चल आवत अड़ी। लेकिन हम एकदम होश में बानी, उनके बहुत काम बा, हम बाद में बात करो। आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला कुरा गरौँ हिजोको घटनाको। ककसले थाहा पायो हिजो के भयो? ल प्रियङ्का, तिमी भन त। म्याम, हिजो स्कुलमा पुलिस आयो र कक्षा 9 को एउटा विद्यार्थीलाई समातेर लग्यो। ओके, ल अब भन त, कसैलाई थाहा छ पुलिसले किन लग्यो? ठिक छ, कसैलाई साइबर क्राइमको बारेमा थाहा छ? मलाई थाहा छ म्याम, इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने अपराधलाई साइबर क्राइम भनिन्छ। भेरी गुड, कहाँबाट थाहा पायो? म्याम, मलाई मेरो दिदीले भन्नुभएको थियो 1 महिना अगाडि। ल राम्रो, इन्टरनेटको मार्फतले कसैलाई पनि हानि गर्ने काम गर्नु हुँदैन। कसैको व्यक्तिगत जानकारी, जसलाई डाटा भनिन्छ, त्यो चोर्नु वा अनुमति बिना अरू कसैलाई दिनु अथवा सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्नु पनि साइबर क्राइम हो। यसको उदाहरण के हुनसक्छ, कसैलाई थाहा छ? म्याम, लभमा परेका केटालाई केटीहरू आफ्नो फोटो पठाउने गर्छन् नि। यो हाँस्नेले पनि फोटो पठाउँदै क्या हो? ल अब सुन, ल मानौ, राजनले आफ्नो फोटो आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई पठायो र उसको गर्लफ्रेन्डले आफ्नो फोटो राजनलाई पठायो। मानौ है, मानौ। म्याम, मानव नाङ्गो फोटो पठायो। हो म्याम, प्यार अन्धा होता है। त्यो प्यार होइन, बेवकुफी हो। ल मानौ, मायामा डुबेर उनीहरूले एकअर्कालाई आफ्नो नाङ्गो फोटो पठायो। आज उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छ, त्यही भएर केही समस्या भएन। तर भोलि गएर उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रियो भने, ती दुईमध्ये कुनै एउटाले त्यो फोटोहरू कसैलाई पठायो भने वा सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्यो भने त्यो साइबर क्राइम हो, अपराध हो। म्याम, त्यो केटालाई पुलिसले किन समातेर लग्यो? त्यो केटाले पनि त्यस्तै गरेको थियो। आफ्नै कक्षाको एकजना केटी साथीको फोटो यसरी नै गलत तरिकाले फैलाएको थियो। सुरुमा उसले भनेन, तर पछि जब पुलिसले छानबिन गर्यो त्यसपछि थाहा भयो त्यो केटाले त्यस्तो गरेको हो भनेर। त्यही भएर हामी सबैले इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी वा डाटाको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। साइबर क्राइम एकदमै जघन्य अपराध हो, त्यही भएर हामी सबैजना यसको लागि सचेत रहनुपर्छ, संवेदनशील रहनुपर्छ।
ल अब मलाई भन किशोर अवस्थामा यो कुरा जान्न किन झन् जरुरी छ। किनभने म्याम किशोर अवस्थामा हामी एकदमै उताउलो खालका हुन्छौँ, त्यही भएर धेरै कुराहरू जोसमा निर्णय लिन्छौँ अनि साइबर क्राइम गरिदिन सक्छौँ अथवा यसको शिकार हुन सक्छौँ। हो, खास कुरो यही नै हो। किशोर अवस्थामा यत्तिकै पनि धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू भइरहेको हुन्छ, हामी यत्तिकै पनि कति कुराहरूलाई लिएर अन्यलमा हुन्छौँ। त्यसमा पनि हामी यो साइबर क्राइमको लागि सचेत रहेनौँ भने थप तनाव हुनसक्छ। ल भोलि एकचोटि यो किशोर अवस्थाको बारेमा राम्रोसँग पढेर आउने है। अच्छा ए बताओ, आज जन जमुना म्याम पढाइले हँ तोके समझमे आएल कि नै? आएल तो हवे, लेकिन ओकर नोट कैसे बनाओ बा नाइ बुझे नै। परीक्षा में कितने नंबर के क्वेश्चन आए वो नाइ मालूम बा। ओकर नोट कॉपी में नाइ, यहाँ दिमाग में लिखी है। ओकर प्रश्न कक्षा में नाइ, जिंदगी के परीक्षा में आई। अच्छा देख, कम उम्र में ब्याह कैलक नतीजा, एक एकर महतारी पाली के उम्र में एक खुद महतारी बन के बच्चा पालती है। ऊपर से घर के सारा काम, सबकर देखभाल, मर्द के शारीरिक आ मानसिक यातना कैसे साथ हुई। सोना तो के का बन रहे मर दीदियों के ही तोरे शादी भइल रहे, लोगन कहत रहने लड़का बहुत बढ़िया बा दहेज कम लिखाई के शादी करवा देने लोगन, फिर बाद में हमार दीदी के घर वाले इतना अत्याचार करने कि बर्दाश्त से बाहर हो गए। हमार दीदी एक के पेट में दूध दूध बार बच्चा रहे गिर गई, तीसरा बार में हमार दीदी दुनिया छोड़ के चल गए। एको के बात लेके कितना रोबे, हम इनके पढ़ा लिखल बानी जा, अपन साथ चाहे दूसरे के साथ है ऐसे नहीं होके दिल के। अरे हम जाता नहीं घास काटे, तोहर पापा आई है खाए के दे दिए। ठीक बा, आप तोर दीदी आई तब कह दी है कि अम्मा गई लिया घास काटे। हाँ रे ठीक बा कह दे हम। हमकी एगो फोटो भेजा नहीं। कैसन फोटो? बिना कपड़ा वाला। कलिया हमारे स्कूल में से एगो लड़का के पुलिस पकड़ के ले गए हवे साइबर क्राइम के आरोप में। एगो लड़की के नंगा फोटो फेसबुक में शेयर कर लिया, एकर बारे में हम इनके अजूबे पढ़ाइयो भाई। साइबर क्राइम पता बाकी नहीं एकर बारे में? नहीं बा। google.com पे जाकर सर्च करा, काम लागे बाद में। आ अब से ऐसन फोटो वोटो के डिमांड कैला तो सीधा जेल के हवा खाए पड़ी। बाप रे बाप। एउटा 5 वर्षको बच्चालाई 10 किलोको भारी उठाउन भन्यो भने सक्छ? सक्दैन। किन सक्दैन होला त? ल मालती तिमी भन त। म्याम किनकि बच्चाको शरीर सानो हुन्छ, बच्चाको शरीर कमजोर हुन्छ, कोमल हुन्छ। हो, हाम्रो शरीरको क्षमता हाम्रो उमेर अनुसार फरक फरक हुन्छ। त्यो बच्चा ठुलो भएपछि त्यो भारी उठाउन सक्छ तर सानोमा सक्दैन।
त्यसै गरी उमेर नै नपुगी यौन सम्पर्क गर्यो भने महिलामा पनि पुरुषमा पनि विभिन्न किसिमको रोग समस्याहरू जटिलताहरू देखा पर्न सक्छ। ल अब यता हो यो चित्रमा हेर, यो हो पाठेघर। इङ्ग्लिसमा यसलाई युटेरस भनिन्छ। यदि काँचे उमेरमा वा 18 वर्षभन्दा अगाडि यौन सम्पर्क हुन थाल्यो भने यो पाठेघरमा सङ्क्रमण भई क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो पाठेघरमा जब बच्चा हुन्छ त्यसलाई सम्हालेर राख्ने जुन हड्डी हुन्छ जसलाई हिप बोन अथवा पेल्भिस भन्छौँ, त्यसको पनि उमेर नै नपुगी विकास भएको हुँदैन। र यदि काँचे उमेरमा गर्भधारण भयो भने बच्चालाई सुरक्षित राख्न नसक्ने, शरीर बिग्रिने जस्ता जटिलता समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता थुप्रै शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक समस्याहरू आउन सक्छ जसलाई एउटा किशोर वा किशोरीको शरीर र दिमागले सम्हाल्न सक्दैन। त्यसैले किशोर र किशोरीले आफ्नो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। ल गृह कार्यको लागि सबैजनाले महिलाको आन्तरिक प्रजनन अङ्गको चित्र बनाएर ल्याउने, अनि सबैजनाले त्यो अङ्गको कार्यको बारेमा पनि लेखेर ल्याउने, है त? हुन्छ म्याम। हेलो, ओ हेलो, हमने कहीं बैठल जाने? कहीं कहाँ काहे? ऐसा जगह जहाँ दूर दूर तक केहू ना होके। काहे भेट काहे? बस एक दुई घंटा खटतीन। पहले बतावा काहे बेटे की चाहत बड़ा? बात कल जाए यार, बात तो रोज होते पा मैसेज में। सोचनी ब्याह से पहले टेस्ट ड्राइव कर ठीक रही। बकवास बंद करा, इतना गंदा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आयल कैसे? अरे ब्याह के बाद तो सब कुछ होइबे करी। ब्याह अब थोड़ी हुई, सब कुछ के अपन समय होला। हमन के अभी नहीं सब करे की उम्र थोड़ी भइल बा। तू स्कूल में ये सब नहीं पढ़ला का? अरे 3-4 साल पहले पढ़ल बात अब इन तक थोड़े ना याद रही। जे आदमी के पढ़ल बात याद नहीं बा उ व्यवहार में का लागू करत हुई, और जौन पढ़ाई व्यवहार में लागू नहीं हुई उ पढ़ाई के कौन काम? एकर मतलब तू पढ़ लिख के भी अनपढ़ बाड़ा। एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आवेला, हमके का बुझत बाड़ू तू? पता नहीं तू अपने आप के का बुझत बाड़ा, लेकिन हम तो के बढ़िया से बुझे लगनी। अच्छा बढ़िया बा, सुना ने, चला भाग के ब्याह कर ले आ जा। हम कह नहीं था अभी इन ब्याह शादी नहीं करे बा हमके, अब भाग के ब्याह ऐसा बेवकूफ़ी तो हम कबो नहीं करब। आ एक बात और, हमार परीक्षा आवता अब कुछ दिन खर्तीन बातचीत बंद करे पर। बकवास ना करा, चुपचाप भेंट करे आवा, नहीं तो ठीक नहीं हुई। नहीं आई का करबा? बहुत भाव ना खा। हेलो का भाई बोला कुछ कि कोनो दूसर मिल गई बा? बात नहीं करबू, औका दिखाए लगलू।
बिहान 4 बजे के बाद स्कूल के कैंटीन में। हाँसा हाँसा किन रोगेको? अहिले केही पनि नबुझी हाँस मात्रै। भोलि गएर कि आफै कि बुढीले समस्या पर्छ अनि यसरी नै डक्टरकोमा गएर हि गरेर दाँत देखाउनु। हामी हाँस्दा हामीलाई आनन्द आउँछ नि, किन होला? कसैलाई थाहा छ? इन्डोर्फिन्स भन्ने हार्मोन निस्किन्छ जब हामी हाँस्छौँ अनि हामीलाई आनन्द महसुस हुन्छ। अनि यो हार्मोन के हो? रसायन, केमिकल। त्यसै गरी हामी कसैप्रति आकर्षित हुन्छौँ, कसैलाई देखेर उत्तेजित हुन्छौँ र कसैलाई देखेर भित्रैबाट माया जागेर आउँछ। अनि यो सबै अक्सिटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन भन्ने हार्मोनले गर्दा हो। जसले यो केमिकललाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ ऊ सही बाटोमा लाग्छ, जसले राख्न सक्दैन ऊ बाटो बिराउँछ र आफ्नो जिन्दगी ध्वस्त बनाउँछ। त्यसैले अब कुनै पनि यस्तो अवस्था आयो भने बुझ्ने कि मेरो दिमागमा केमिकल लोचा भइरहेको हो। के बुझ्ने? केमिकल लोचा। के बुझ्ने? केमिकल लोचा। हो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो उमेरमा बिहे गर्नु त परको कुरा, बिहेको बारेमा सोच्नु पनि हानिकारक छ। यौन सम्पर्क वा शारीरिक सम्बन्ध बनाउनु पनि हानिकारक छ किनभने यसले के गर्छ? ल, आजको होमवर्क आफ्नो छर छिमेकमा भएको बाल विवाहहरू खोज्ने र बाल विवाहले हुने हानिहरू के हुन् त्यो लेखेर ल्याउने, है त? हुन्छ। गुड। हमारे स्कूल में हमके लाइक करे वाली बहुत लड़की बाड़ी कुल, लेकिन हम केको को पसंद नहीं बाड़ी। पता नहीं तोरे में का बा, 2 साल से बात कहनी लेकिन अब इन तक मन नहीं भरल, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। हम चाहत बनी कि तोके वहाँ के ले जाए। रुका रुका तानी आराम से बाबू, तू खयाली पुलाव पका पका के बहुत आगे निकल गई बड़ा लागत है तुम्हारे अंदर केमिकल लोचा कुछ ज्यादा ही उधर का। का केमिकल लोचा? देखा हम मन के ठीक से भेंट काट भी नहीं बिल बा, हम कैसे निर्णय ले लेकिन तू हमारे लिए ठीक बाड़ा कि नहीं? अरे तब शुरू से भेंट काट कर ले दे ना, हमके बीच में टोका मत। और दूसरी बात, हम इन अभी किशोर अवस्था में है जा, हम इन एडल्ट भी नहीं बिल बन जा। अगर हम इनके बीच में सच में प्यार बा तो एक दूसरे के इंतजार कर जा। देश के कानून के हिसाब से 20 साल पहले के बाद ब्याह करे के मिली, लेकिन हमके 24 साल से पहले ब्याह नहीं करे के बा। सीधा बात, सब कुछ साइड लगावा, फाइनल पॉइंट पे आवा। अगर आज के बाद हमके डिस्टर्ब करने वाला कौनो भी काम कैला तो हम तोके साफ साफ बता दी कि हमके पुलिस के नंबर पता बा। अरे तो हम खातिर हम कुछ लेके आ रही हूँ, तुहार सुरक्षा और आत्मविश्वास के खातिर। ये हमार जाके पैसा अपन जाके पैसा मिला के पे कर दिया। गुड बाय।